नमस्कार दोस्तों, यजड़ा न्यूज से मैं विशाल मुकेश अंबानी और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का यजड़ा न्यूज चैनल में। दोस्तों आज हमारे साथ विशेष बातचीत करने के लिए तावेश पाशा जी जुड़ चुके हैं। तावेश पाशा जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका यजड़ा न्यूज चैनल में, और मैं आपसे जानना चाहूंगा आप कैसे हो। मैं बहुत अच्छा हूँ अंबानी साहब, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आपका यस आपका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको पता ही होगा। मतलब काफी आश्चर्य हुआ सुन के। थैंक यू सो मच। दिस इज नॉट समथिंग न्यू फॉर मी, इट्स मेनी टाइम आई हैव हर्ड। या ऑब्वियसली यार, तभी मैं इस पे ज्यादा जोक करूंगा। या सो टेल मी समथिंग अबाउट योर सॉन्ग। आपका एक रहा सॉन्ग आया है जिसको एक दिन में 282K व्यूज मिल चुके हैं और 7.7K लाइक्स मिल चुके हैं, तो क्या एक्सपीरियंस रहा है, कैसा ये गाना है बताइए जरा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत मजा आ रहा है, और जो मेहनत की थी वो लोगों को पसंद आ रही है, और आई एम रियली हैप्पी। एंड आपका और पलक जी के साथ जो कॉम्बिनेशन है काफी ज्यादा लोगों को पसंद आ रहा है, उसके बारे में क्या बताएंगे आपको? कोस्टार पलक जी के बारे में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? बहुत अच्छा रहा है। पलक को का कास्टिंग का प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग था, कि जो हमें कैरेक्टर स्केच हमने बनाया था कि एक लड़की ऐसी हो जिसको देख के लगे कि हाँ ये धोखा दे सकती है, तो आपको लगता है पलक जी का चेहरा वैसा है? हाँ, पलक का चेहरा थोड़ा था वैसा, वो एक कैरेक्टर स्केच में हमारे फिट हुआ। और फिर एक्चुअली ये पलक का फर्स्ट ब्रेक है, मतलब पलक ने इससे पहले कुछ नहीं किया है। एंड वी ऑल वर अमेज्ड के इतना अच्छा काम पलक ने किया है बीइंग अ न्यू कमर, तो वो एक बहुत अच्छी बेहतरीन बात लगी है मुझे। तो जिस तरह से गाने में एक्टिंग भी आपने की और ये गाना भी शायद आपने ही गाया है, तो किस तरह से डिफिकल्ट रहता है, क्या ये डिफिकल्ट रहता है, क्या चैलेंजिंग रहता है? गाना भी आप गाओ, उस गाने में एक्टिंग भी आपको करना है, मैच करने के लिए कुछ चैलेंजिंग रहता है या फिर इट्स वेरी इजी? अगर आप अपनी प्रेपरेशन करके आ रहे हैं किसी भी चीज की, तो डिफिकल्ट तो कुछ नहीं रहता है। फिर अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हैं किसी चीज को लेके, तो थोड़ी सी तैयारी की थी मैंने, थोड़ी गाना गाने की, थोड़ी एक्टिंग करने की, तो जब सही मौका आया तो सब अच्छे से हो गया। तो आपने ये गाने के बारे में जब आपको पता चला, तो आपके पेरेंट्स का रिएक्शन कैसा था, फैमिली और फ्रेंड्स का रिएक्शन कैसा था? उनको आपने शेयर किया कि ये गाना मैं करने वाला हूँ? सबका एक से भी चीज था, जब उन्होंने वीडियो देखा, वीडियो देख के सबने कहा तू पीने लगा है क्या, तू सिगरेट बहुत पीता है क्या, तू ये बहुत करता है क्या, वो बहुत करता है क्या, कसम दे दे के सब पूछने लगे। क्यों ऐसा? और क्योंकि वो लग रहा है कि मैं एक्चुअली मैंने ड्रिंक किया हुआ है, मैं एक्चुअली चेन स्मोकर हूँ, वो सब लग रहा है। अब उनको कैसे बताऊं कि कोई कोई बच्चे टैलेंटेड भी होते हैं, सब नशेड़ी नहीं होते। तो आपका ये गाना कहाँ पे शूट हुआ, बेसिकली इस लोकेशन किस एरिया में थी, और पैंडेमिक भी है तो क्या डिफिकल्टी आपने फेस कर पाए? ये शिमला में शूट किया हमने, शिमला बीन शिमला सिटी में शूट हुआ ये। और एज सच डिफिकल्टी नहीं, थोड़ी और सहूलियत हमें मिल गई थी कि क्लब्स, जिस क्लब में हमने शूट किया, क्लब्स उन दिनों बंद थे कोविड की वजह से ही, तो हमें मिल गया पूरा क्लब शूट करने के लिए। एंड दैट टनल सीक्वेंस दैट वी शॉट, वो भी हमें इतनी कोई मुश्किल नहीं हुई क्योंकि ट्रैफिक कम था, तो टनल भी हम पूरा ऑक्यूपाई कर पाए। और अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था, बहुत यादगार था, मजा आया। मैं जब गाने देख रहा था तो गाने में मैंने बहुत सारे कमेंट्स भी पढ़े, और मैंने कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे कि आपको कबीर सिंह से कंपेयर कर रहे थे गाने में, तो आपको क्या लगता है? बेसिकली कबीर सिंह में जैसा शाहिद कपूर का था वही सेम सीक्वेंस था कि ये थोड़ा डिफरेंट सीक्वेंस था? यार ये कबीर सिंह वाला तो मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ आपसे, लेकिन मुझे रणदीप हुड्डा वाले कॉम्प्लीमेंट बहुत आ रहे थे, वो पता नहीं क्यों, वो भी मुझे समझ नहीं आया। नहीं, सीक्वेंस ये तो इसकी जो थोड़ी रिदम थी वो बहुत स्लो थी कैरेक्टर की जो हमने बनाया था। कबीर वॉज एकदम एग्रेसिव, रेडी टू गो, ये थोड़ा अपना अपने बीइंग में रहने वाला, थोड़ा स्लो वाला, और जब कुछ हर्ट हो रहा है, देख रहा है, वेख रहा है, वैसा कुछ अलग था ये, मतलब आई डोंट थिंक वो थोड़ा। पर हाँ, क्योंकि कबीर सिंह भी इतनी बड़ी हिट है और अभी आई है, तो
लोगों के दिमाग में अभी है वो, क्योंकि बहुत फ्रेश मूवी और बहुत बड़ी हिट है, तो कहीं ना कहीं लोग रिलेट कर सकते हैं. यस, इट्स अ गुड थिंग फॉर अस कि यार हमने इतने से बजट में इतनी बड़ी फिल्म को कॉम्प्लीमेंट ले जा रहे हैं, तो लेकिन वो पढ़ा रहने देते हैं. मैं हमारे साथ मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड है, सो ही विल प्ले और मैं गा देता हूँ. श्योर श्योर. एक राह पे चलकर हाथ को पकड़कर हर बात माथे को चूम के करते थे तुम, अब बात भी नहीं करते, क्या याद भी नहीं करते, ये दूरी का जहर कैसे पीते हो तुम, कैसे जी लेते 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 हो तुम, मेरी राहों को मोड़ के साथ को छोड़ के, मेरे टूटे ख्वाबों से खुद के ख्वाब सीते हो तुम, कैसे जी उसके नीचे काफी ज्यादा कमेंट्स आए हैं, तो क्या आपने पढ़े थे वो सारे कमेंट्स? नहीं, अभी तक तो नहीं पढ़े मैंने, लेकिन मैंने बोला था सबको इंस्टाग्राम में पढ़ूंगा, लेकिन मैं अलग से सब करूंगा एक सेशन पढ़ने वाला. ओके, तो हम एक छोटा सा सेशन करेंगे उसके ऊपर. तो मैंने दो तीन कमेंट्स निकाले हैं और मैं कमेंट्स करके सुनाऊंगा और आपको उस कमेंट पे रिएक्शन देना होगा. तो पहला कमेंट्स वृदिक शातन ने लिखा है. वृदिक शातन लिखते हैं, तवेश पाशा, यू आर नॉट ओनली अ ग्रेट सिंगर बट ऑल्सो अ ग्रेट एक्टर एंड ऑल्सो कीप गोइंग. तो उस पर आपका क्या रिएक्शन रहेगा सर? आई थिंक यही था कि यही कमेंट शायद सुनना था, इसलिए इतनी मेहनत की थी दोनों चीजों में, तो मेरा काम हो गया. लोगों को पसंद आ गई और क्या होता है, लोगों तक पहुंच गई वो बात जो मैं कहना चाह रहा था. तो दूसरा कमेंट पढ़ के सुना था. दूसरा कमेंट श्रेया रे ने लिखा है, वो लिखते हैं कि यू एक्सट्रीमली अ गुड एक्टर, आल्सो अ गुड लुकिंग, वेरी गुड वीडियो, तावेश प्लीज रिप्लाई. आपका रिप्लाई मांग रही हो श्रेया रे, मैं दे रहा हूँ यहाँ पे. श्रेया, थैंक यू सो मच यार, वहां लिखने से बढ़िया देखो वीडियो में आपको रिप्लाई दे रहा हूँ. थैंक यू फॉर द सपोर्ट एंड लव. और बहुत खुशी हुई यार, एक्टिंग भी अच्छी है तो आपको अच्छी लगी तो वो जान के. तो मैं श्रेया रे की कंटिन्यू, एक और कमेंट उन्होंने आपके ऊपर लिखा है. तो श्रेया रे लिखती है, यू आर नॉट ओनली डिड अ गुड सिंगिंग बट ऑल्सो गुड एक्टिंग, लुकिंग वेरी गुड, प्लीज मेक मोर वीडियोस विद SVMT. तो यस, डेफिनेटली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं अभी और कुछ उनमें से SVMT के साथ भी आ रहे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आ रहे हैं जिसमें और आपको अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग कुछ डांसिंग और बहुत अलग अलग चीजें भी देखने को मिलेंगी. सो आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड फॉर दैट. ओके, तो क्या हम आने वाले समय में आपको वेब सीरीज या फिर कोई मूवीज या फिर कोई मूवी के गाने गाते हुए देख सकते हैं सर? नहीं, अभी गा चुका हूँ मैं वेब सीरीज में भी, मेरा अभी लास्ट मंथ गाना आया था. और अभी मूवी के लिए भी मैं गा चुका हूँ, तो वो मूवी रिलीज होनी बाकी है. तो यस, आप देख सकते हैं, आपका जो सवाल है आप देख सकते हैं, डेफिनेटली देख सकते हैं, आ रही है कुछ चीजें बहुत एक्साइटिंग और बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं फिल्म्स में और वेब सीरीज में भी. तो मैं, मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि आपके अभी लाइक आपने बोला बहुत सारी चीज आ रही है, तो आप कुछ रिवील करना चाहते हैं कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है? ये गाने के बाद आपका कौन सा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है? अब मैं तो रिवील कर दूं, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि वही नेक्स्ट है, उसके जो नेक्स्ट वाला है वो पहले आ जाएगा कि क्या हो जाएगा. तो आई डोंट थिंक, मैं चाहता हूं सरप्राइज अगर थोड़ा दे पाए तो ज्यादा मजा आएगा. ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रोजेक्ट्स एंड इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू सर. सेम हियर, अंबानी साहब.
It was nice talking to you.